आज का टॉपिक फर्स्ट ईयर में एंजाइम्स है। एंजाइम्स के पहले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा वगैरह पर लोगों ने लास्ट चैप्टर पढ़ा था। आज उसी से जुड़ा हुआ एक और चैप्टर या टॉपिक है एंजाइम्स बिकर। और एंजाइम्स और हार्मोन्स दो नाम सुने होंगे। एंजाइम्स और हार्मोन्स ये दोनों तरल पदार्थ हैं और शरीर से उत्पन्न होते हैं। एंजाइम्स और हार्मोन्स अगर अपनी बात शरीर से करें तो दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन से जिसको बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं, उनसे जो पदार्थ तरल निकलता है उसको वैज्ञानिकों ने एंजाइम्स नाम दिया। और जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो पदार्थ निकलता है उसको हार्मोन्स का नाम दिया। एंजाइम्स क्या होते हैं? क्रिया में कोई भी रासायनिक क्रिया, ध्यान रखना, ये दोनों हार्मोन्स और एंजाइम्स अपने अंदर जो रासायनिक उपापचय क्रियाएं होती रहती है उसको घटाना, बढ़ाना, समापन करा, ये काम है किसका? हार्मोन्स और एंजाइम्स का। बस अंतर दोनों में ये है कि एंजाइम्स थोड़ा एक्टिव होते हैं, क्रिया को परिवर्तित करके स्वतः अलग हो जाना, ये किसका काम है? एंजाइम्स का। कोई भी क्रिया हो रही है, उपापचय क्रियाएं हो रही है, अपचय उपचय यही होती है शरीर में सबसे ज्यादा। हम कह रहे हैं रासायनिक क्रियाएं भी हैं, रासायनिक क्रियाएं भी बिना एंजाइम्स के वह संपन्न नहीं होंगी। जैसे अपन लोग सब्जी खाते अगर उसमें नमक नहीं मिलाया जाए तो वो सब्जी खा नहीं पाएंगे अपन लोग। तो एंजाइम्स का काम कौन रहा है? एक प्रकार का ऐसे ही पदार्थ। लेकिन जो नमक होता है वो हार्मोन्स का काम करेगा। क्यों करेगा? हमने क्या बताया, एंजाइम्स क्रिया को परिवर्तित करके स्वतः अलग हो जाता है, नष्ट नहीं होता है। और जबकि हार्मोन्स क्या है? क्रिया को परिवर्तित करता रहता है और स्वतः लास्ट में नष्ट हो जाता है। इसका काम है हार्मोन्स का। और जो शरीर में कहाँ से निकलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां, जैसे पीयूष ग्रंथि हुआ, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, थाइमस ग्लैंड्स, बहुत सारी होती है जो पढ़ेंगे अपना चैप्टर है लास्ट का, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। समझ आई बात? और एक्सोक्राइन से हार्मोन्स वहीं पर उत्पन्न हो जाती है जहां पर इनको आवश्यकता होती है। जबकि हार्मोन्स क्या होते हैं? एक निश्चय जगह से निकल करके, चूंकि इसके पास नलिका होती नहीं है, बिना नलिकाओं के ब्लड के साथ पूरे शरीर में सर्कुलेट होते रहते हैं और होते होते जा करके जहां इसकी आवश्यकता होती है वहां पर कार्य करते करते स्वतः क्रिया के साथ नष्ट हो जाते हैं। ये किसका काम है? हार्मोन्स का। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? कि क्रिया को परिवर्तित करके स्वतः अलग हो जाते हैं। ये विशेषता है। और वैज्ञानिक कौन थे? UHN 1878 इन्होंने इसका नाम एक प्रकार का उत्प्रेरक के नाम में दिया, कैटालिसिस का नाम दिया। कैटालिसिस का मतलब क्या होता है? कि परिवर्तित करके उसको आगे चल के, कैटालिसिस को इन्होंने उत्प्रेरक एक प्रकार का एंजाइम्स का नाम दे दिया था। तो ये कहानी है एंजाइम्स की। अब एंजाइम्स की अगर हम कुछ कहानी बताएं, जैसे मान के चलो C12H22O11 किसका सूत्र है? एंजाइम्स का है, ग्लूकोज का। जब इसमें जाइलेज एंजाइम्स कार्य करता है तो एथिलेल्कोहल बनता है C2H5OH+2CO2। एथिलेल्कोहल बन गया तो कौन सा काम कर रहा है? जाइलेज। जब जाइलेज एंजाइम्स कार्य करेगा तो क्या बनेगा? एथिलेल्कोहल, शराब वगैरह की उपयोग होता है। इसी प्रकार से माल्टोज, माल्टोज में C12H22O11 किसका सूत्र होता है? दो ग्लूकोज जोड़ेंगे तो माल्टोज बनता है C12H22O11+H2। तो यही वो क्रिया है C12H22O11+H2 में माल्टेज, माल्टोज के साथ वही नाम वैज्ञानिकों ने रख दिया माल्टेज। तो माल्टेज की क्रिया हुई तो क्या बना? 2C6H12O6, यानी दो कर दो चाहे दो बार ले दो, C6H12O6 हो गया। अब तीसरा दिया उन्होंने सुक्रोज C12H22O11+S2। इनवर्टेज एंजाइम्स, इसमें कौन सा एंजाइम्स कार्य कर रहा है? इनवर्टेज। यहाँ पर कौन सा था? जाइलेज, यहाँ पर माल्टेज, यहाँ पर इनवर्टेज। C
C6H12O6+, C6H12O3, यहाँ पर ग्लूकोज हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रक्टोज। वो तो एंजाइम्स के ऊपर निर्भर करता है, जब सुक्रोज पर इन्वर्टेज की एंजाइम से क्रिया हुई तो क्या बनेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ऐसी कई प्रकार की क्रिया होती रहती है, यहाँ तक कि अगर हम सबसे सरल कहें C+O2=CO, तो अभी इसमें एंजाइम्स कार्य करें, बिना एंजाइम्स के वह क्रिया कभी समाप्त पूरी नहीं हो सकती। हाँ इतना जरूरी है कि एंजाइम्स अगर ज्यादा जुड़ गया तो दिक्कत आ जाती है, कम हो गया तो कमी आ जाती है। कुल मिला के जैसे ही एंजाइम्स किसी क्रिया को में पहुंचता है वो क्रिया स्पीड पकड़ जाती है, अगर ज्यादा होता है तो वो बढ़ते बढ़ते एक जगह क्या फेल हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, या कम हो रहा है तो वो जो क्रिया चल रही है वह क्रिया क्या हो जाती है, धीरे धीरे समाप्ति की ओर हो जाती, बंद होने लगती। तो कुल मिला के सामान्य अवस्था में एंजाइम्स क्रिया करते रहते हो, आगे बढ़ते रहते। इसी प्रकार से माल्टोज पर क्रिया होती है माल्टेज की, एंजाइम्स के नाम है भैया, माल्टेज जो एंजाइम्स होता है वो माल्टोज पर क्रिया करके परिवर्तित करता है, लाइपेज लिपिड पर क्रिया करता है, लाइपेज है वो लिपिड पर क्रिया करते हैं, एमाइलेज स्टार्च पर, लैक्टेज लैक्टोज पर दूध से जुड़ा हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स बोलेंगे वो किस पर क्रिया करेगा, कार्बोहाइड्रेट हमने बताया CHO 1:2:1 क्या बनता है C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीएज, प्रोटीएज किस पर क्रिया करेगा, प्रोटीन पर, प्रोटीन पर क्रिया, जैसे ही प्रोटीन से कोई क्रिया हो रही होगी उपापच है उसको कम और अधिक करने का काम कौन करता है, प्रोटीएज। तो ऐसे ये जो है एंजाइम्स के प्रकार हैं, एंजाइम्स इतने प्रकार का क्रिया करता है शरीर में, एक प्रकार का उत्प्रेरक है, कैटालिसिस है, वह कैटालिसिस उत्प्रेरित करता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि सदैव एंजाइम्स क्रिया को परिवर्तन के स्वतः अलग हो जाता है, नष्ट नहीं होता है। अब इसके बाद इसकी विशेषताएं क्या क्या लक्षण है इसको देखते, एंजाइम्स में कुछ विशेषताएं भी है, 4-5 मुख्य विशेषताएं हैं। क्या क्या है एंजाइम्स की विशेषताएं, एक तो हमने आपको पहला पॉइंट दिया था कि एंजाइम्स किस प्रकार का काम करते हैं, कैटालिसिस का, उत्प्रेरक का काम करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं किसी चीज को, प्रारंभ में उत्प्रेरक का मतलब है ऊर्जा देना, शक्ति देना, कौन करता है काम उस क्रिया को, एंजाइम्स कैटालिसिस का काम करते। दूसरा है ये क्रिया को प्रारंभ नहीं करती कभी, एंजाइम्स क्रिया को प्रारंभ नहीं करती है। तीसरा है ये उच्च अणुभार वाले होते, अधिक मात्रा में इनका अणुभार होता है, कभी क्रिया को प्रारंभ नहीं करते हैं। और तीसरा काम है, जैसे मान के चलो एंजाइम्स ने किसी क्रिया के साथ शुरू किया, फॉर एग्जाम्पल उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, जो प्रमुख पदार्थ है उसमें एंजाइम्स ने काम किया वो सबस्ट्रेट है, एंजाइम्स की थोड़ी सी ही मात्रा किसमें बदल देती है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देती है, उत्पाद में बदल देती है, जिससे क्रिया कर रहा है एंजाइम्स उसकी सूक्ष्म मात्रा ही वो किसमें कन्वर्ट कर देता है, प्रोडक्ट, जो रिजल्ट आपको चाहिए। अपन लोग कोई क्रिया कर रहे हैं, अगर CO2 बना रहे हैं तो C पर क्रिया करेगा एंजाइम्स, O2 पर नहीं, क्योंकि उसमें प्रधान कौन सा है, कार्बन। तो जो प्रमुख सबस्ट्रेट है उस पर क्रिया करके किसे बदल देता है, प्रोडक्ट में बदल देता है, उत्पाद में बदल देता है। एंजाइम्स विशिष्ट होते हैं, स्पेशल टाइप के होते हैं, ये नहीं है कि कोई सामान्य अवस्था में सामान्य रूप से मिलते जाए, एंजाइम्स विशिष्ट होते हैं, ताप परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं, एंजाइम्स टेम्परेचर के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं, pH पर निर्भर रहते हैं, pH परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, अगर pH घटता बढ़ता है तो एंजाइम्स का क्रिया भी मात्रा भी कम और अधिक होने लगती है, यानी pH पर भी टेम्परेचर पर भी बहुत संवेदनशील होते हैं। इसके बाद ये जो है क्रिया के अंदर वाले एंजाइम्स अलग होते हैं और बाहर वाले अंदर होते हैं, अंदर वाले होते हैं वो अंदर का काम करेंगे और बाहर वाले होते हैं वो बाहर के काम करेंगे। इसके अलावा एंजाइम्स की जो परिभाषा है, परिभाषा सुन लीजिए, जो परिभाषा मुख्य रूप से दी थी
कि कोशिकाओं में मेटाबॉलिक रिएक्शन की गति को बढ़ाना या घटाना। मेटाबॉलिक माने उपापचय क्रियाओं की गति को बढ़ाने वाले प्रोटीन के बने कार्य पदार्थों को क्या नाम दिया? एंजाइम्स नाम दिया, ENZYA। EN बराबर N, ग्रीक भाषा में एंजाइम्स का अर्थ समझिए, EN बराबर INN और जाइम ZYME, जाइम बराबर होता है ईस्ट, YAST, ये ग्रीक भाषा में जो शब्द लिया गया एंजाइम्स का, इन ईस्ट YAST। ईस्ट क्या है? एक फंगस है, कवक है, एक कोशिकीय पौधा है, बिना क्लोरोफिल वाला पौधा है। ईस्ट का चित्र शिकार का होता भी आदमी देखेंगे कहीं मिलेगा, इस प्रकार की संरचना होती है, विकृत होता है। एक कोश के इसमें ना हाइफी होते ना माइसिलियम होते, और सैक्रोमाइसिस इसमें वो मीठी चीज होती है, ईस्ट जो होती है सैक्रोमाइसिस जाति होती है। तो ये करैक्टर है, करैक्टर में क्या क्या होते हैं? अनुवार वाले होते हैं, क्रिया को प्रारंभ नहीं करते हैं, विशिष्ट होते हैं, कैटालिसिस में काम करते हैं, ताज परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं, पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, और एसिडिक और बेसिक अम्लीयता में भी कार्य करते हैं और क्षारीयता में भी काम करते हैं। चाहे वो उस क्षेत्र का अम्लीय माध्यम में हो तो भी एंजाइम्स कार्य करेंगे, चाहे वो क्षारीय माध्यम हो तो भी कार्य करते हैं। और ये एंजाइम्स हर जगह कार्य करते रहते हैं। कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो केवल क्षारीय माध्यम में काम करते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं वो अम्लीय माध्यम में कार्य करते हैं। अब इसके बाद ये इसके क्या हो गए? करैक्टर। अब थोड़ा सा अगर इसकी बात की जाए, क्रियाविधि क्या है, इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है, एंजाइम्स का उदाहरण है वो बता देते आपको। जैसे अपन लोग लॉक एंड की, लॉक माने क्या होता है? ताला, की माने क्या होती है? चाबी। लॉक एंड की थ्योरी समझे, एक वैज्ञानिक थे एम एल फिशर वैज्ञानिक नाम थे, जिन्होंने एक थ्योरी दी थी लॉक एंड की हाइपोथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लॉक एंड की यानी ताला चाबी का सिद्धांत। लॉक एंड की हाइपोथेसिस में क्या है कि जैसे अपन लोग ताले को बंद करते हैं और खोलते हैं और चाबी को बाहर निकाल के अपनी जेब में डाल देते हैं, वही एंजाइम्स कार्य करता है, क्रिया को परिवर्तित करके ताले को, ताला लगाए घर में, अब चाबी ले आके खोल देंगे, वो चाबी को निकाल के जेब में डाल दिया, घर कहीं जा रहे हैं घर पर तो ताला लगा दिया चाबी को, तो चाबी सामान्य रूप से क्या है? एंजाइम्स का काम करेगी। एंजाइम्स वह है जो क्रिया को परिवर्तित करके स्वतः अलग हो जाता है। जहां से चाबी अपन ई प्लस ए जैसे ई प्लस एस क्रमीय ई एस और फिर क्रमीय ई अलग हो जाएगा और पी अलग, क्या मतलब हुआ? एंजाइम्स ने क्रिया किया सबस्ट्रेट से, एंजाइम्स कहां से प्रवेश करता? एक्टिव साइट से, सक्रिय स्थल से, ताले में जो छेद है वो सक्रिय स्थल एक्टिव साइट है, ऐसा नहीं कि चाजा से लगा, एक्टिव साइट से जब एंजाइम्स ने सबस्ट्रेट की क्रिया की तो ताला चाजू क्या हो गया? एंजाइम और सबस्ट्रेट मिल गया, परिवर्तित कर दिया, तो एंजाइम्स अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। यानी जो अपन को क्या चाहिए था, इसको क्या लिख दिया हमने, पहले क्या लगे पी प्लस प्रोडक्ट बन गया, जब ई और एंजाइम से क्रिया की तो पी माने जो रिजल्ट चाहिए, ई हो गया और एंजाइम से क्या हो गया? अलग हो गया। तो ये ताला चाबी का सिद्धांत है, आप इसको चित्र बना सकते हो, ये चालू बना सकते हो, तो ये इस प्रकार का ये है। क्या बनेगा अगले स्टेप में, इसको फिट कर दिया, ये बन गया E प्लस एस बराबर ई एस, और अगले में क्या है? ताला लग गया, तो ये ताला अलग कर दो, और फिर क्या है? एंजाइम्स अलग कर दो। ये हो गया उदाहरण। एमएल फिशर ने बहुत बढ़िया ये उदाहरण दिया ताला चाबी का, जिस प्रकार से ताले में चाबी डाली जाती है एक्टिव साइट से, तो एक्टिव साइट से एंजाइम्स प्रवेश करता है। ये भी नहीं है कि दूसरी चाबी लाके डाल, वो एक्टिव साइड उसी को अवशोषित करेगा जिस क्रिया का जो एंजाइम से असर है कि नहीं, जिस क्रिया का जो एंजाइम से, जिस ताले की चाबी है वही चाबी उसमें प्रवेश करेगी अन्यथा दूसरी करेगी। ये है लॉक एंड की हाइपोथेसिस। एक और होता है इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस,
ऑस्लैंड ने नहीं दिया, ये और सरल है, इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस ये किसने दिया था, कॉसलैंड ने। और दूसरा जो लॉकेंड की हाइपोथेसिस है वो किसने दिया था, एमएल फिशर ने, एमएल फिशर और लॉकेंड की जो दूसरा बता रहे इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस में कॉसलैंड ने दिया था 1960 में 1960, और 1894 में दिया था एमएल फिशर ने लॉकेंड की। इसमें इन्होंने एंजाइम्स की एक्टिव साइट की रचना दृढ़ नहीं होती बल्कि लचीली होती है, प्रारंभ में एक्टिव साइट की रचना क्रियाधार की रचना के कंप्लीमेंट्री होती रहती है, परंतु जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम संपर्क में आता है वह सबस्ट्रेट के उसी का रूप धारण कर लेता है जिस प्रकार से एंजाइम्स की क्रिया हो रही है। यानी कुल मिला के इन्होंने दिया जो एक्टिव साइट होता है वो लचीला होता है, और जैसे ही एंजाइम उसमें पहुंचा उसी का रूप धारण करके उस क्रिया को क्या कर देता है, परिवर्तित करता है, वैसा ही रूप बना लेता है एक्टिव साइट का। ये किसने थ्योरी दी थी, इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस कॉसलैंड ने, और एमएल फिशर ने क्या दिया था, लॉकेंड की हाइपोथेसिस। ये दो मैकेनिज्म है। अब इसके बाद इनका अगर हम बात करें टर्नओवर संख्या, एक तो टर्नओवर संख्या बराबर होता है प्रति इकाई समय में बने उत्पादों के मूल बटे एंजाइम्स के मूल। कार्बोनिक एनहाइड्रेट का 3.6 × 10⁻⁷ टर्नओवर संख्या होती है, यूरिएस का होता है 1.10⁻⁶, एमिलेस का होता है 1.10⁻⁵। ये टर्नओवर संख्या है, टर्नओवर संख्या बराबर बताया था प्रति इकाई समय बने प्रोडक्ट के मोल बटे एंजाइम्स के मोल, ये सूत्र है इसका। लैक्टिक डिहाइड्रोजेनेस का 6 × 10⁴, और लास्ट में लाइसोजाइम का है 3 × 10⁻¹। अब इनकी जो कुछ फैक्टर हैं, फैक्टर में जैसे नंबर एक हुआ टेम्परेचर, दूसरा हुआ पीएच, एंजाइम्स की सक्रियता, क्रियाधार की सांद्रता और उत्पाद सांद्रता और इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स, ये 4-5 पॉइंट हैं इसके जो क्या हो जाएंगे, कारक क्या है, यानी एंजाइम्स को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे वो नहीं प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे ही एंजाइम्स को प्रभावित करने वाले कारक।